कि हर काम में ऊपर से धर्मेश जी के साथ। और हमने उनके परिवार से रिक्वेस्ट किया कि आपका इस शोक सभा में शामिल होना जरूरी है, और आप देखिए सारा का सारा परिवार हमारे बीच में, वर्कर्स के बीच में, फेडरेशन के बीच में बैठ के हमारी आवाज से आवाज मिलाकर इस शोक सभा में उपस्थित हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं गजेंद्र चौहान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे है। गजेंद्र चौहान जी। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही नगीना हम लोगों ने गवाया है। मुझे याद है तो 28 जून 1985 का दिन, जब मैं और धर्मेश जी पहली बार फिल्म सिटी जाते हुए एक बस के अंदर मिले थे। उस दिन से लेकर 6 अगस्त तक मैंने अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे उनकी शोक सभा पे आकर कुछ कहने का मौका मिलेगा। मैं आज ये सहन नहीं कर पा रहा हूं, आंसू तो नहीं आए लेकिन नींद उड़ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा धर्मेश फिल्म इंडस्ट्री में कहां से आएगा। आर्टिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते धर्मेश जी, फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते, कन्फेडरेशन ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट होने के नाते, उन्होंने जो जो काम हम सब के लिए किए हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियन हो, किसी भी तरह का कार्यकर्ता इस फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी रूप में काम करता हो, उसके लिए दिन रात का मतलब है दिन रात 2400 घंटे वो हमेशा किसी भी तरह की सेवा के लिए खड़े रहे हैं। मेरा उनसे पारिवारिक और सामाजिक दोनों तरह का रिश्ता है। सिंटा में 1994 में एक साथ हम दोनों आए। धर्मेश जी मुझे धोखा दे गए, 6 अगस्त को उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन उनके साथ रह के काम करके जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि जिम्मेदारी को किस तरह से अपने कंधे पे लेके जिंदगी में चलना चाहिए। मैं दो धर्मेश को जानता हूं। पहला धर्मेश तो वो जिसको मैंने उनके प्यारे से बेटे बबलू के इस संसार से जाने से पहले का धर्मेश, जो बहुत ही खुशहाल, हर वक्त चेहरे पे हंसी, किसी भी काम को बोझ ना समझना, लेकिन वो हमारा बच्चा बबलू जो कुछ साल पहले हमें छोड़ के चला गया था, उनका बेटा, उसके बाद धर्मेश ने ये ठान ली थी, दूसरा धर्मेश उसके बाद का है, उसने ये ठान ली थी जीवन में कि अब मेरा जीवन जो है पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लिए समर्पित है। और धर्मेश ने इस बात को साबित करके दिखाया है। वो कलाकारों की जिंदगी में एक लाइन होती है, शो मस्ट गो ऑन, और धर्मेश ने जाते जाते जिस दिन तबीयत खराब थी, एक दिन पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई करीब 11:30 बजे, तब तक उनकी तबीयत एकदम ठीक थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खाना खाया और उसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा गिरावट आई। उसके बावजूद भी वो स्टेज पे गए, शाम को उन्होंने अपना स्टेज शो किया। स्टेज के दौरान उनके साथियों का कहना उनकी तबीयत तब भी खराब थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस पूरी जी जान से किया, और उस पूरे ट्रुप वालों का ये कहना है कि उस दिन का उस पूरे ट्रुप का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो धर्मेश जी ने जाते जाते भी ये साबित किया द शो मस्ट गो ऑन, और एक कलाकार की जो भूख होती है कला की, वो उन्होंने उस स्टेज पे जीवित करके दिखाई। दुख बहुत छोटा शब्द है, मुझे ये कहना कि मुझे धर्मेश के जाने का दुख है, मुझे लगता है मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूं। क्या होगा दूसरा धर्मेश इस फिल्म इंडस्ट्री में पैदा करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी धर्मेश जी की थी, किसी भी काम को ना ना कहना, और मेरा अक्सर उनसे इस बात को लेकर झगड़ा होता था। मैंने कहा धर्मेश जी आप हर बात को इतना सीरियसली ले लेते,
आपने सिंटा को अपने दिमाग में घुसा दिया है, फेडरेशन को अपने दिमाग में घुसा दिया है। 24 घंटे दिन भर आप व्हाट्सएप पढ़ते रहते हैं, लोगों की टेंशन, दुख, दर्द, सब कुछ आपके सर पे आपने लेकर रखा हुआ है। और मैंने शायद भाभी जी को ये पता नहीं है, जाने से पहले मेरा उनका एक दिन दोनों का पर्सनल लेवल पे मैंने उनसे कहा, धर्मेश जी 20 शो करने 15 शो करने 15-20 दिन के लिए शहर से बाहर रहना, आपकी तबीयत जो है वो मुझे नहीं लगता आपको अलाउ करती है, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। शो में जाने के लिए 2.5 घंटा परफॉर्मेंस, उसके आगे पीछे 1-2 घंटे की तैयारी होती है। और उन्होंने कहा कि नहीं यार, कलाकार है, शो मस्ट गो ऑन। और मेरी बात को बड़ा सिंपली जो है उन्होंने नकार दिया। और जब धर्मेश जी को कोई बात डालनी होती तो गाना गा के निकल जाते थे, ये उनकी आदत थी कि हर बात को लाइटली लेके निकल जाते थे। लेकिन आज वो हमको जिस मझधार में छोड़ गए हैं, जहां छोड़ गए हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा धर्मेश के लिए इंतजार रहेगी। लेकिन मैं अपनी ओर से आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि धर्मेश जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, जो बातें हमें बताई, हम जी जान से उन बातों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो एक साथी होने के नाते जो बातें हमें बताई, मैं सच्चे दिल से भाभी जी को, निकी को और अनु को और पूरे परिवार को, शोका पूरे परिवार को ये वादा करता हूँ आप सबके सामने कि भाभी जी कभी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई काम होगा तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके सामने के साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी रहेगी। और कभी भी किसी भी वक्त आप किसी भी काम के लिए हमें आदेश दे सकती हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि धर्मेश जी की बातों को हम आगे जीवन में बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश जी के एक काफ़ी सालों से एक बहुत अच्छे मित्र, उनके साथ उन्होंने काफ़ी समय गुजारा, प्यार से लोग उनको दद्दू बुलाते हैं। मैं दद्दू जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ पेशेंट से भागे, यहाँ भागे, वहाँ भागे, तकलीफों में भागे। अगर किसी की मौत हो गई तो मैयत में जाना जरूरी है, मुझे कहते तो वहाँ चलना है, वहाँ चलना है, वहाँ चलना है। अक्सर वो कहते थे जाति पात तो मुँह मोड़ो, क्या दुश्मन क्या साथी हो, इस पथ से जाने वाले दोबारा कभी नहीं आए, तो हरदम हम लोग कहते थे। आज श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी क्योंकि अब वो हमारे बीच शरीर नहीं है। लेकिन बाकी आपको बता दूँ, तब से किसी रात ठीक से सो नहीं पाया, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि बड़ा हाथ जोड़ कर धर्मेश जी की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें मोक्ष दे, जितनी सच्ची आत्मा वो थे, और उनके ही चरणों में ये श्रद्धांजलियाँ हैं। स्वरचित कुछ दोहे हैं और एक भजन स्वरचित है जो आज सुबह मैंने लिखा है उनकी याद में। ओम शांति। सत्य में ब्रह्म से बेड़ा पार,
एक ऐसी शख्सियत जिनको रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन हुआ। इनका और मेरा ताल्लुक फेडरेशन में 2003 से शुरू हुआ, तब से लेके अब तक काफ़ी बातें काफ़ी चीज़ें सीखी है मैंने इनसे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा। धर्मेश जी जो मार्गदर्शन देते थे, मुझे लगता है कि वो क्वालिटी किसी और लीडर में अब तक तो नहीं आई है, लेकिन हम अपनी खोज शुरू रखने चाहिए, जारी रखनी चाहिए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए यही एक फिटिंग ट्रिब्यूट होगा उनके लिए कि हम उन जैसा कोई लीडर चुन के हमारे बीच में लाए और वर्करों के हित के लिए दिन रात मेहनत करने की जिसमें कामना हो ऐसा ही कोई शख्स उनको रिप्लेस करने की कोशिश करें, जो कि मुझे लगता है नामुमकिन है। लेकिन मुझे पता है कि इस काम में धर्मेश जी खुद हमारा साथ देंगे ऊपर से। मुझे लगता है कि बस इसी बात के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ उनकी तरफ, और आमीन कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। हम सभी जानते हैं कि धर्मेश जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके जाने की वजह से जो कमी हमारे बीच में आई है वो उसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक नदी होती है, उसके दो किनारे होते हैं और उसके आर पार जाना होता है तो एक पुल काम आता है, पुल बनने से इस पार से उस पार जाना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल यही काम धर्मेश जी ने वर्कर्स के साथ और प्रोफेसर के साथ किया। उनके जाने से जो कड़ी थी वो टूट गई, वो मैं ये तो नहीं कह सकता असंभव है लेकिन कठिन जरूर है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया, और मैं जैसे उन्होंने मेरी उनसे एसोसिएशन उनसे मित्रता बहुत पुरानी है, आप सोचते हैं शायद 10 साल 15 साल नहीं है। वो मेरे मित्र हैं 67-68 से, जब हम दोनों दिल्ली में थे। हमारे एक ऑर्केस्ट्रा था, नटराज ऑर्केस्ट्रा, उसमें मैं गिटार बजाया करता था और प्लेस भी करते थे, उसमें वो पार्ट लेते, तब से हमारी मित्रता है। फिर हम बॉम्बे आ गए दोनों, वो अपने काम में लग गए, मैं अपने काम में, फिर बीच में मिलते रहते हैं। लेकिन जब फेडरेशन में आए तो वो प्रेसिडेंट थे, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ मैंने काम किया, तो मैंने उनसे बहुत पूछी था। बहुत सारी जगहों पर गए हम, डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट्स की मीटिंग में गए, बहुत सारे हमने काम किए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कितने काम किए मैं क्या बताऊँ, सब लोग कह भी चुके और आने वाले लोग भी कहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं उनके प्रति उनकी बड़ी सहानुभूति होती थी, और उन्होंने एक बसेरा करके संस्था का भी निर्माण किया। आप सबको पता है कि वो अच्छे अच्छे सास के पास आते थे, पैसा लेके आते थे और उनसे कहते थे भैया आपकी कुछ सहायता करनी है, तो करते थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे। और क्या 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 मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों किया या ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज मौका भी है और ज़िंदगी की हकीकत समझने की ज़रूरत भी है। उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा श्लोक रखना चाहता हूँ। राजा भर्तृहरि का नाम आप सबने सुना होगा, वो राजा थे गुजरात के, पैसे की कोई कमी नहीं, खूब ऐश की, खूब सुख भोगा, बूढ़े हो गए। फिर सोचने लगे मेरी जिंदगी में सुख होगा, लेकिन सुख भोगने की इच्छा खत्म ही नहीं हुई। फिर एक दिन उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और संन्यास लिए, जंगलों में चले गए, कुछ श्लोक लिखे। तो एक श्लोक उसका मैं आपको सुनाना चाहूँगा, वो लिखते हैं, धनानी भूमौ पशुश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, जना श्मशाने, देहश्चितायां, परलोक मार्गे, कर्मानुभो गच्छति जीव एका। पहली लाइन में धनानी भूमौ, हर आदमी सबसे पहले धन कमाना चाहता है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, जिसके पास पैसा हो भी चाहता है, जिसके पास नहीं हो भी चाहता है। और बचपन में भी हम स्कूल में जाते हैं तो हमको यही सिखाया जाता है, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो क्या करोगे, घास काटोगे, पत्थर तोड़ोगे, मजदूरी करोगे, यानी हमारे दिमाग में शुरू से बता दिया जाता है कि हमें पैसा ही कमाना है, और उसके लग जाते हैं। और जब कुछ हुनर सीखते हैं तब भी उसका मकसद वही होता है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, और जब उस लायक हो जाते हैं कमाने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सही तरीके से गलत तरीके से बस पैसा ही कमाना उद्देश्य हो जाता है, हम सच्चाई ईमानदारी भी भूल जाते हैं, चाहे बेमानी से हो कमाना शुरू करते हैं। तो भक्ति भी कहते हैं कि जिस धन को आप कमा रहे हो कहाँ तक रहता है, सिर्फ धरती तक साथ रहता है। आप मान के अमेरिका जा रहे हैं तो आप ऑफिस को डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यूरोप जा रहे हो तो यूरो ले सकते हो, पाउंड ले सकते हो, लेकिन ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी जिसको आप अंतिम समय में अपने साथ ले जा सको। तो धनानी भूमौ, धन सिर्फ भूमि तक साथ रहता है, और पशुश्च गोष्ठे,
हमारे जो पशु हैं उस जमाने में हाथी घोड़े हुआ करते थे, ना तो कारें थी, ना बसें थी, ना मोटर थी, ना हवाई जहाज थे, ना रॉकेट थे। तो उन्हें लिखा कि हाथी घोड़े जिसके बाद होते बहुत बड़ा आदमी होता था, बोले ये कहाँ तक साथ देते हैं, ये तो अपने बाड़े तक साथ देते हैं। शायद इसी बात से प्रेरित होकर शैलेंद्र जी ने लिखा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना हो, राजा हो फकीर हो रंग हो कोई भी हो, सबको एक ही तरीके से जाना है, कोई सवारी वहाँ तक ले जा नहीं सकती। तो धनानी गोष्ठे नारी की हद द्वार है, पत्नी वो कहाँ तक साथ देती है। देखिए जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसके माँ बाप भाई बहन होते हैं और बहुत कुछ करता है उनके लिए, लेकिन एक समय आता है जब उसका विवाह हो जाता है फिर उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है और वो पत्नी भी अपने घर को छोड़ करके सब कुछ सुख में दुख में उसके साथ रहती है, हर सुख में उसका साथ देती है, हर दुख में उसका साथ देती है, लेकिन वो भी कहाँ तक जाती है, अंतिम समय वो भी घर के दरवाजे तक नारी के हर द्वारे रो रो कर शांत हो जाती है। और जनाश मशारे जो यार दोस्त हैं बंधु हैं वो कहाँ तक साथ देते हैं, उस प्रशांत तक जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार होता है वो भी चले जाते हैं। और देहस्थितायाम, ये जो शरीर है जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं ये कहाँ तक हमारे साथ देता है, ये चिता तक या कब तक, इसके बाद इसका भी काम खत्म। तो देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानो को गच्छति विवेका, हम जब कहीं जाते हैं तो हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारे देह में कुछ है कि नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अपनी गाड़ी से आए होंगे, कोई ऑटो से आएंगे, कोई टैक्सी से आए होंगे, कोई ट्रेन से बस से, जैसे भी आए हैं, लेकिन घर से निकलने से पहले आपने जरूर चेक किया होगा कि जेब में कुछ है या नहीं, खाली जेब कोई नहीं आया होगा क्योंकि काम करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो दो घंटे के लिए आपने चेक किया कि मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं, और हम 60 साल 70 साल 80 साल जीते हैं, क्या हमने चेक किया किस दुनिया से कम जा रहे हैं, क्या इकट्ठा किया क्या लेके गए। तो बोलते कर्मात्मा को क्षति दी गई का, देखो सजनों मैंने उनको कभी पैसे के पीछे भागते नहीं देखा, लेकिन जो कुछ उन्होंने जमा किया मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे उन सबसे अमीर थे, सबसे ज्यादा उन्होंने इकट्ठा किया अपने साथ जाने का अच्छे कर्म किए, यही उनकी कमाई थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा किया। और आपने देखा जिसे उनकी डेथ हुई अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, काफ़ी भीड़ थी, जब उनका इस्कॉन में श्रद्धांजलि दी गई संगीत की तभी भी बहुत लोग थे और आज भी बहुत लोग हैं। मैं एक अंतिम बात आपको कहना चाहूँगा, एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। एक गांव था, उस गांव के बाहर कोरे में एक कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसके आगे श्मशान था। गांव में जब भी किसी की डेथ होती थी उसको वहाँ लेके जाते थे और जब संस्कार करते थे तो जब वो लेके जाते थे तो बुढ़िया दो बातों में से एक बात जरूर बोलती थी, कभी तो बोलती अच्छा हो गया मेरे लिए और कभी बोलती हे भगवान इसको क्यों खा लिया। तो गांव के लोग सोचते थे इसको तो ये भी नहीं पता कि कौन मरा, आदमी मर्द औरत कौन, बच्चा बूढ़ा कौन, लेकिन बिल्कुल ठीक बोलती है। तो एक दिन सब इकट्ठे होकर उसके पास गए और कहने लगे भाई एक बात बताओ तुम्हें कैसे कहती हो कि अच्छा हो गया मर गया और कभी बोलते हे भगवान इसको क्यों खा लिया। बड़ी बहुत आसान सी बात है, जब मैं देखती हूँ कि एक आदमी मर गया और उसके साथ चार आदमी सिर्फ उसका संस्कार करने के लिए जा रहे होते हैं तो मैं समझ जाती हूँ इसने किसी का कुछ नहीं किया, किसी के काम नहीं आया हो, तो जो किसी के काम ही नहीं आया तो उसके जीने का फायदा ही क्या है। और जब मैं देख लेती हूँ कि एक आदमी मर गया किसी के काम नहीं आ सकता और इतने सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं तो मैं समझ लेती हूँ ये बहुत अच्छा इंसान था, तो मैं कहती भगवान तुझे इसको क्यों उठा लिया। और आज वो बुढ़िया होती तो जरूर यही कहते कि हे भगवान तुझे धर्मेश जी को क्यों उठा लिया, वो क्या हम सब यही कहेंगे कि हे भगवान तुझे धर्मेश जी को क्यों उठा लिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आता है उसको जाना आवश्यक होता है और मौत से सबको डर लगता है, कोई नहीं मरना चाहता। और शायद यही कारण है कि हम भगवान में विश्वास भी करते हैं। एक उर्दू के शायर ने कहा है कि मौत ने कर दिया लाचार वगरना इंसान, मौत ने कर दिया लाचार वगरना इंसान, है वो खुद भी के खुदा का भी ना कायल होता। ये मौत का डर है तो शायद भगवान को मानते रहते तो भगवान को भी मानना छोड़ देते। तो देवी सोचो मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मित्रता उनसे बहुत पुरानी थी, बहुत कुछ बोलना चाहता लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, इतना ही काफी समझता हूँ। और अंत में मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार के सदस्यों को ईश्वर शांति दे, उनको संतोष दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धर्मेश जी और मेरा संबंध इनका से ही ज़्यादा रहा है, उनका फेडरेशन से रहा है। जेन्युइनली वो अपने 24 क्राफ्ट या 22 क्राफ्ट उनके लिए बराबर लड़ाई करते थे, बहुत आर्ग्यूमेंट और अच्छी तरह से लड़ाई करते थे, लेकिन इतने समझदार थे कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, हमेशा ही कहते थे धर्मेश जी थोड़ा धीरे
आप कहते हो आप भी सही है, हम कहते हैं हम भी सही है, रास्ता कोई ना कोई बीच का निकालना है। और वो हमेशा जो कहते हैं, किसी ने कहा कि कीड़ा काटा, वाकई में वो अपने वर्कर्स के लिए, पूरे हिंदुस्तान के वर्कर्स के लिए इतना दर्द था उनके, और हमेशा उनके लिए लड़ते थे, एक न्याय पाते थे। मेरी उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और परिवार को बहुत बड़ी हिम्मत थे। थैंक यू सो मच। मैं मेरी खुद की ओर से, मेरे जो एसोसिएशन है सीनियर सिंगर्स एसोसिएशन, वहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो उस नाते मेरे सभी सिंगर मेंबर्स हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो पूरे ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से मैं भाभी जी, निकिता, अन्नू भाई साहब और आपके सब धर्मी जी के सभी परिवार वालों को सबसे पहले मैं अपने शोक प्रकट करता हूँ। मुझे ऐसी सभा में कुछ बोलने का पहले कभी ऐसे कुछ वक्त आया नहीं है, कुछ गलती हो जाए माफ़ कर दीजिए। कि धर्मेश जी का मेरा रिश्ता काफ़ी साल से रहा है, 18-20 साल से ज़्यादा। फादर फिगर थे मेरे लिए, वो बड़े भाई जैसे थे, और बहुत सारी यादें हैं, यहाँ भी बताए तो मुश्किल है, वो बस ऐसे लगता है सर से हाथ उठ गया, ज़्यादा पुल्ली पोंगा सॉरी। श्रद्धांजलि असल में बहुत कठिन है अपने आप को व्यक्त करना इस वक्त, लेकिन एक चीज है कि हम दोनों लगभग एक ही वक्त में यहाँ आए थे बॉम्बे, संचय तक मैं आया और वो थोड़ा उसी के आसपास, और हम लोग दूरदर्शन के नाटक ब्लैक एंड वाइट का जमाना था, साथ काम करते थे, और एक मित्रता व घनिष्ठता सब बढ़ती गई। उनकी बातों को मैं सुनता था, मैं समझता था, मैं बहुत उत्तेजित और बहुत ही जैसे कहना चाहिए बहुत एक आक्रोश लिए हुए अपने मन में था, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री का भी मैंने यहाँ लोगों का शोषण होते हुए देखा, न सिर्फ कलाकारों का बल्कि वर्करों का और सारी चीज़ों का। आज जो वर्कर्स हैं जिनकी मेहनत के बिना, मैं समझता हूँ कलाकारों का ग्लैमर बेमानी है, उन मजदूरों को, उन मेहनत कश इंसानों को, मैं ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं एक एक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ऐसे इंसान की हैसियत से कह रहा हूँ जो मैं मेहनत कश इंसान का हमेशा सपोर्टर रहा हूँ। मैं बड़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग का आदमी रहा हूँ, और मैंने हमेशा उन लोगों के लिए लड़ना जायज समझा जो जिनका शोषण होता है। तो एक ऐसी विचारधारा लिए हुए मैं था, फिल्मों में काम करते थे, अपने आस पास होते हुए शोषण को देखता था, एज एन एक्टर काम करते थे, कहीं छोटे रोल कहीं बड़े रोल, और लेकिन किसी भी सेट पे कहीं भी कोई अगर गलत चीज होती थी तो मैं आवाज उठाता था। मैं एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, सिंटा का मेंबर नहीं था, बहुत से सेट्स पे लोग कहते थे कि आप कौन हैं, आप मेंबर हैं कि नहीं है, मैंने कहा मैं नहीं हूं, मैं मेंबर बनना भी नहीं चाहता, ये एसोसिएशन मेरे लिए क्या करती है, ये क्या करती है, मैं अपने इर्द गिर्द शोषण होते देख रहा हूं, मैं अपनी आवाज अपने लिए उठा रहा हूं, अब मेरे आसपास जो लोग हैं उनके लिए उठा रहा हूं, लेकिन होता क्या था, नुकसान मेरा ही होता था, लेकिन मुझे उस नुकसान की परवाह नहीं थी। मैं झगड़ता था जहां झगड़ पाता था, जहां नहीं लड़ पाता था वहां नहीं लड़ पाता था। तो ये सब सिलसिला चल रहा था, और धर्मेश जी से मैं शेयर करता था, जब भी हम नाटक की रिहर्सल करते थे दूरदर्शन की स्पेशली या रिकॉर्डिंग में कभी मिलते थे, मैं उनसे ये बात कहता रहता था, उनको भी कई बार पता चलता था कि भाई फलाने सेट पे इन्होंने ऐसा कर दिया, वहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो एक दिन
उन्होंने मुझसे कहा कि तब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मैं 76 का आया हुआ इंसान, उसके बाद काम करता रहा करता रहा, मैं किसी भी संस्था का मेंबर नहीं बना। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बलबूते पर काम कर रहा हूँ, अपने बलबूते पर मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ, लेकिन ये मैं आज बात शोषण होते हुए देखता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाता है। तो हम लोग बैठे, धर्मेश ने मित्र मुझसे कहा कि सुधीर, ये जो आक्रोश है ये बाहर से इस तरह से प्रकट करके कुछ नहीं होगा, ये संगठित तौर पर ही हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो एसोसिएशन के मेंबर बनो, हमारे साथ आओ और एक संगठित तौर पर इसका विरोध करो, तब तो इसको एक वो मिलेगा, वरना ये कहेंगे कि फलाना एक्टर है, करता है, कभी कभी दारू पी के चार व्यक्ति के किसी की मां बहन कर देता है, ये करता है वो करता है, इसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, ये है, लोग उसको दूसरे मायने देंगे। ये धर्मेश ने मुझसे कहा, मेरी उससे बात हुई, बहुत देर तक हम लोग बात करते रहते थे, जब भी रेसेस के दौरान हमें वक्त मिलता था और कभी भी कोई ऐसी बात होती थी, तो मैं पहली बार मोटिवेट हुआ इस बात के लिए कि नहीं ठीक है, अगर यही तरीका है तो मैं भी एक अपनी संस्था से जुड़ता हूँ जो कलाकारों की संस्था है। और उस तरह से मैं 76 का आया हुआ इंसान इस शहर में 93 में अपनी संस्था से जुड़ा, जो कि बहुत देर के बाद जुड़ा, लेकिन कन्विंस होने के बाद जुड़ा। और उसके बाद मैंने जो भी चाहा कि भाई हम सब लोग संगठित तौर पर इस काम को करें, और उसके लिए मैं धर्मेश का धन्यवाद करता हूँ और शामिल हुआ इस लड़ाई में। लेकिन ये लड़ाई अभी भी बहुत बहुत निचले स्तर पर है, ये इसको बहुत ऊंचा जाना चाहिए। धर्मेश में ये चीज थी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम सभी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और यहाँ इस वक्त ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फेडरेशन के इस शोक समारोह में हूँ, क्योंकि यहाँ सभी क्राफ्ट के लोग हैं और सभी क्राफ्ट के लोग एक ही चीज से पीड़ित हैं कि ये जो पूरा है, जो ये किस तरह से चलता है इस अभी तक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन वो लड़ाई हम आपस में ही एक दूसरे से मतभेद रख के नहीं लड़ सकते। हाँ, एक प्रोड्यूसर है, उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसके ऊपर चैनल है, उसके ऊपर और तमाम लोग हैं, पैसा है, इंडस्ट्री है, फाइनेंस है, ये है, तमाम है, इकोनॉमी है, मार्केट है, ट्रेड है, पता नहीं क्या क्या है, होने दें उस सबको होने दें, लेकिन जो उसमें काम कर रहे हैं, जो उसमें खून पसीना बहा रहे हैं, चाहे किसी भी कैपेसिटी में बहा रहे हो, चाहे वो एक ऑर्डिनरी वर्कर हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे स्टार हो, चाहे सुपरस्टार हो, कोई भी हो, वो सुपरस्टार का ग्लैमर एक मेहनत, एक लाइटमैन की जो तराफे पे बैठा रहता है, उसकी लाइट के बगैर वो संभव नहीं है, तो कम से कम उसको उतनी इज्जत है। तो मैं समझता हूँ कि धर्मेश जो भी कर रहे थे वो सोच समझ के कर रहे थे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि ये एक हमारी थोड़ी सी परेशानी है कि हर आदमी अगर कन्फ्रंट करने की भाषा इस्तेमाल करेगा, अगर हम सोचेंगे उखाड़ फेंके प्रोड्यूसर को, या हम सोचेंगे ये बंद कर डालें इंडस्ट्री, तो सभी का नुकसान है। कुछ दिन के बाद सभी टूट जाते हैं, सभी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय यही, रोजी रोटी यही, तो एक जो एक बैलेंस बनाना जिसे कहते हैं, एक आक्रोश के और उस आक्रोश को समझने वाले के बीच में एक बैलेंस बनाना, जो जितनी आसानी से, जितनी सरलता से धर्मेश शो कर पाते थे, वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और लेकिन उस बैलेंस को बनाए बगैर मैं समझता हूं कि लड़ाई जीतना भी आसान है, उसमें समय लगता है, इसलिए समय लगता है क्योंकि वो बैलेंस बनाना है, मतलब सीधा एक तरीका है, चक्का जाम करो, बंद कर दो सब कुछ, लेकिन वो बैलेंस बनाए वाला चक्का जाम होगा, सबका नुकसान। तो ये बातें मेरे धर्मेश को अक्सर हुआ करती, और ये जो बैलेंस बनाने का आर्ट है, जो सारी चीजों को समझने का आर्ट है, 22 क्राफ्ट और प्रोड्यूसर्स के बीच का बैलेंस बनाना, ये मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। और
कैसे कौन इसको आगे कर पाएगा, ये बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर हम इस सिर्फ ईगो ट्रिप पे चले जाएं कि नहीं यार लीडर तो बहुत आते हैं एक दरवेश चला गया तो बहुत सा काम रुक जाएगा, काम तो नहीं रुकता, बिल्कुल नहीं रुकता, लेकिन काम एक सरलता से होगा या नहीं, काम जो मकसद है वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हमें इस बैलेंस को बनाने की एक सदबुद्धि दे और मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं धर्मेश के बड़े भाई होने के नाते कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। धर्मेश की जिंदगी शुरू से बचपन से एक कलाकार के रूप में ही स्थापित हो गई थी, जो रामलीलाओं में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में अपना कार्य करता और धीरे धीरे उसने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में अपना कार्य आरम्भ किया। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में उसका जो पहला ये काम था कि वहाँ से वो आर्मी के लिए भी काम करने के लिए बॉर्डर्स में जाया करता था। जब अभी उसको दोबारा बॉर्डर पे जाने का मौका मिला तो रोमा ने, उनकी पत्नी रोमा ने और उन्होंने उनके बच्चों ने सभी ने उससे कहा कि भाई इतना तुम क्यों जा रहे हो। तो कहने लगा साहब कहें मैं अभी तक कलाकारों के लिए तो जिया ही हूँ, मेरी जिंदगी फौज के लिए आरंभ हुई थी और फौज के लिए मैं जा रहा हूँ और एक हमारी बदकिस्मती देखिए या जो भी है वो अंतिम सांस मुझे फौज के बीच में ही थी। ये एक बड़ी अजीब सी बात दास्ता हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आया तो पहली फिल्म उसने भोजपुरी की थी मेरे से, क्योंकि कई बात अंतरंग बातें होती थी फेडरेशन में, बहुत सारी इधर उधर से सभी तरह की बातें यहाँ होती थी, तो मेरे से अंतरंग बातें तो बहुत करता था वो, क्योंकि हम लोग लगभग सेम एज के हैं, मेरे से 3 साल छोटा था। जब मैं सरकारी दफ्तर में था या कहीं भी था तो दिल्ली में आता था तब भी ये बातें होती थी, मैं वहाँ पर भी ये बातें, ये सही सी जब बात हुई तो ये सही सी की बात हुई तो उस समय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में था, मेरे से कहने लगा कि भाई साहब बताइए मैं यहाँ कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से हम लोग ई एस आई सी को स्टार्ट कर सकते हैं कामगारों के लिए। तो हम लोग आपस में बात करके, उसमें दद्दू भी आए दिल्ली में और वो भी आए, हम लोग अपने सेंट्रल कमीशन से मुलाकात की और लोगों से मुलाकात की और वो काम, मतलब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि मैं किस तरीके से अपनी फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए काम करूँ। उसके दिमाग में जो बैलेंसिंग की अभी सुधीर पांडे जी ने कहा, जो गजेन जी ने बात कही है, ये बातें बड़ी सोच, मतलब मैं उस पर कभी कभी बैठ कर सोचता हूँ कि क्या उसके दिमाग में रहता था। एक ही बात रहती कि भाई एक हम लोगों के बीच में जब ये कार्यक्रम चल रहे होते हैं तो गरुड़ पुराण हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, जो भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद है, और वो सिर्फ इसी समय पढ़ा जाता है 13 दिन के अंदर। उस 13 दिन में जब आज का जो लेसन था उसमें बात हो रही थी कि कर्मयोगी कौन है, मैं उसको यही कह सकता हूँ कि जब कर्मयोगी की व्याख्या हुई तो कर्मयोगी के लिए यह कहा गया कर्मयोगी योग वो है जो दूसरों के लिए जीता है। और वास्तव में मैं उसको आज ये कह सकता हूँ कि वो धर्मेश नहीं कर्मयोगी धर्मेश, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अपनी इसी चीज में बिताई। उसकी एक अंतिम इच्छा जो काफी समय से चलती रही थी वो ये था कि ओल्ड एज होम की स्थापना की जाए। मैं फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहूँगा, अगर उसमें जावेद अख्तर साहब ने तो कहा ही था, मैंने मुझे बताया था उसने कि जावेद अख्तर साहब ने कहा कि अगर कहीं भूमिका हो जाएगा तो मैं अपने पार्लियामेंट फंड से 50 लाख रुपया उस ओल्ड इस फंड उसके लिए दूंगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों से यहाँ उपस्थित हैं एक दरखास्त करना चाहूँगा, अगर श्रद्धांजलि के तौर पर एक उसकी श्रद्धांजलि ये भी होगी
अगर एक ओल्ड एज होम की स्थापना कर दी जाए तो ये एक बहुत बड़ी उसको श्रद्धांजलि होगी। और जहाँ तक ये जो बैलेंसिंग की बात की सुधीर पांडे जी ने, मैं बहुत सहमत हूँ कि मेरा भी जब भी उससे डिस्कशन होता था तो डिस्कशन के दौरान वो ये कहता था कोई भी चीज़ इंडस्ट्री को बंद करके नहीं की जा सकती, हम लोग हासिल करेंगे तो सिर्फ आपस में बैठकर ही टेबल पर बैठकर ही कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते थे, मैं काफ़ी समय से क्योंकि ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ अपने रिटायरमेंट के बाद, तो ट्रस्ट में मुझे लाने का गजेंद्र जी को बहुत शौक क्या नाम है इनको था कि ये ट्रस्ट में आकर थोड़ा सा काम देखे तो अच्छी बात है। तो फिल्म जो सिनेमा वेलफेयर ट्रस्ट है, आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो उसको शक्ति उसकी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अगर कोई ओल्ड एज होम की स्थापना की जा सके तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं आज फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों, हमारी जितने भी 22 स्टाफ हैं, उन 22 स्टाफ के जितने भी पदाधिकारी हैं, एसोसिएशंस हैं और जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, उसको भी परिवार की ओर से पत्नी रूमा, बच्चे अनु, निकिता, विवेक उठारिया जी दामाद, हमारी सिस्टर्स आई हुई हैं सुशीला जोशी, श्री लक्ष्मी पांडे, उमा पांडे, छोटे ब्रदर जो है हमारे वो गिरिया पर बैठे हरीश तिवारी, उनकी पत्नी हेमा जी, मैं पूरे परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने उनकी याद में आज ये रखा प्रोग्राम रखा और इसके मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमारा परिवार है और हमारे परिवार का एक सदस्य हमें छोड़ के चला गया, तो जाहिर है कि उनको याद रखना और आगे भी याद रखना हमारा ये फर्ज है और ये हमें एक हमारा कल्चर हमारे संस्कार को यही सिखाता है। मैं साउंड एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री वी एन तिवारी से रिक्वेस्ट करूँगा कि तिवारी साहब दो मिनट आके आप प्लीज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे बुलाया गया है। मेरा नाम सौभाग्य से वी एन तिवारी, वीरेंद्रनाथ तिवारी है, बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे कभी कभी बड़ा कुफ्र होता था कि एक ही आदमी में इतने गुण कैसे हो सकते हैं, धर्मेंद्र जी उन तमाम चीज़ों को कैसे बैलेंस कर लेते हैं। जब भी कभी उनसे बात होती थी, बहस होती थी, मैं उनसे यही पूछता था कि इस पोस्ट पर होने के बावजूद आप कैसे बैलेंस करते हैं। हमने कई बार हड़ताल करने की बात सोची साउंड एसोसिएशन की तरफ से, उन्होंने बोला रास्ता ये तो नहीं है, हम क्या आप बताएंगे तो ही करूँगा, हम उनकी बात सुनते रहे। आखिर तक आज भी मेरे समझ में नहीं आता है कि एक आदमी में ईश्वर इतनी चीज़ें कैसे दे सकता है। मैं उन्हें धन्यवाद नमन करता हूँ, उनके परिवार को ईश्वर हिम्मत दे इस बहुत बड़ी आपदा में अपने आप को बैलेंस कर दे। मैं धर्मेंद्र जी के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, 14 साल हो गए। ऐसा आदमी मैंने मेरे आज तक कभी देखा नहीं कि जो सिर्फ उसका एक ही दया था कि वर्कर के लिए कुछ करना है, मतलब कुछ भी हो इतना, कभी उनको चिल्लाते हुए देखा नहीं। लेकिन जहाँ पे प्रोड्यूसर एसोसिएशन में हम लोग बैठते थे और जहाँ पे उनको लगा कि किसी वर्कर के बारे में हम लोग कोई गलत बात कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से जा रहे हैं, तो आदमी खड़ा होकर चिल्ला के बोलता था। लोग सरप्राइज हो जाते कि इतना शांत आदमी इतना भी चिल्लाता। तो उनका एक ही मकसद था कि बस मैं इंडस्ट्री में हूँ तो इस वर्करों के लिए हूँ और इनका भला हो। मेरा उनका बहुत ही मतलब भाई जैसे परिचय था उनका मेरा, क्योंकि एक तो हमारी शक्लें बहुत मिलती जुलती थी और हमेशा हम लोग कहते थे कि फोटो कहाँ भी अगर फंक्शन में जाते हैं तो वो भी कोने में बैठते थे, मैं भी कोने में बैठता था। अब इतना बड़ा आदमी जो ऑल इंडिया इसका प्रेसिडेंट, फेडरेशन का प्रेसिडेंट, इतने लोग उनको जानते थे, उनके तहत हजारों काम होते थे, लेकिन उसने कभी अपना बड़ापन नहीं बताया। लेकिन काम काम के बारे में इतना आदमी आगे था कि आप पूछिए, और हमने तो उनसे सीख ली है। मैं तो उनको फॉलो करता हूँ कि आप शांत रहिए,
शांति से काम होगा, झगड़ों से काम नहीं होगा, बाप किसी से काम नहीं होगा, स्ट्राइक मत करिए। जैसे विनय देव साहब ने भी कहा कि वो सब सोच रहे थे साउंड रिकॉर्ड करके स्ट्राइक करने का, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी ने पहले यही कहा कि नहीं, स्ट्राइक करोगे तो जो मेरा वर्कर है वो भूखा रहेगा, आज एक दिन भी आप शूटिंग बंद करोगे तो उसका नुकसान होगा, हम लोग बातों से सुन जाएंगे इस बात को। और बस यही तरह से वो चलते गए। और आज ऐसी बात है कि धर्मेंद्र जी को मतलब आप भूल नहीं सकते, और कितने साल भी गुजर रहे हैं एसोसिएशन कभी उनका मतलब मैं खास वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन से बात बोलता हूँ कि हम लोग तो उनको कभी नहीं भूल सकते, हालांकि हमारा फेडरेशन का एग्रीमेंट भी नहीं है, लेकिन उस आदमी ने सिर्फ वो यही चाहता था कि दोनों कोई भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन दोनों और वर्कर को साथ में रहना चाहिए और जो मसले हैं वो टेबल पर सॉल्व होना चाहिए। भले अभी लास्ट में भी उन्होंने लास्ट मोमेंट में कोई लेटर नहीं कुछ नहीं, हमने सिर्फ फोन पे उनको कहा कि फलाना फलाना प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम है, उस आदमी ने उस टाइम वो दिल्ली में थे, दिल्ली से फोन करके उन्होंने मीटिंग अरेंज की, जिस दिन वो आए उसी दिन सुबह उन्होंने मीटिंग ली और उस आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो वे यही उनको एक श्रद्धांजलि अगर हम सच्ची में देना चाहते थे, भाई साहब ने कहा कि उनसे जो उनके जो काम थे उनका जो थॉट था जो उनको एक उसको भी उनको आगे लेके जाना चाहिए, और यही उनके लिए वो श्रद्धांजलि होगी सच्चे दिल से अगर हमको करना चाहिए। बस मैं शुरू में आप लोगों का आभार हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया यहाँ पे, और मैं ये कहूँगा कि उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और इस दुर्गम इससे दुख से वो निकल पड़े और आगे चले। थैंक यू। नमस्कार। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, कभी ऐसा सोचा नहीं था, मैं आज तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि धर्मेश जी हमारे बीच में हैं। गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कुछ पाठ पढ़ाए हैं जो हम जानते हैं, यहां इस फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद एक फादर फिगर, एक मेरे कृष्णा मेरे भगवान जैसे, धर्मेश जी का जो सपोर्ट जो बैकिंग जो उनकी राय जो उनकी एडवाइस, जिससे ना सिर्फ अपनी बॉम्बे फेडरेशन बट भारतवर्ष की जो बाकी की 6 फेडरेशन, जब हम NAC मीटिंग्स में जाते थे वहाँ के वो इतने सालों से प्रेसिडेंट, जो उनकी बातें मानी जाती थी, हर इंसान उनकी एडवाइस से चलते थे और सबको सॉल्यूशन मिलता था। अब पता नहीं कि क्या होगा हमारा। सेकेंडली एक चीज जो मुझे हमेशा ताज्जुब करती थी उनमें कि वो ऊपर सिमला में आते थे, सिमला के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, नीचे आते थे फेडरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, फिर NAC की बातें कर रहे हो तो NAC में डिस्कशन करते थे। एक इंसान एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, ये मेरा अपना सोचना है। वो एंड नो वो कंप्यूटर थे या देगी, वो एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं तुरंत वो NAC की बात कर रहे हैं, तुरंत सिमला की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सारे जहां की प्रॉब्लम उन्होंने अपने अंदर बसा के रखी थी। और हम लोग कब कब कहते थे कि धर्मेश जी प्लीज हेल्थ का ख्याल करें, इतना प्रेशर आप ना लें, होगा सब ठीक होगा, बट नहीं। मैं एक छोटा सा वाकया जो अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ था, और ये उस वक्त मुझे खुद को इतना ताज्जुब हुआ था, एक लाइट में मिला था फिल्मिस्तान में काम करते हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, प्रोड्यूसर से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, हॉस्पिटल बिल नहीं पे हो रहे थे, लाइट ने धर्मेश जी को फोन किया रात को 10:30 बजे, मुझे धर्मेश जी ने फोन किया कहाँ हो, मैंने कहा मैं बाहर हूँ, बोला अभी चलना है और लाइट मैन को डिस्चार्ज कर रहा है, मैंने कहा सर प्रोड्यूसर से पेमेंट आनी है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, नहीं मैं खुद जेब से पैसा भरूंगा, पर तुम अभी के अभी चलो मुझे अभी डिस्चार्ज कर, अब सरप्राइज सर इतनी बड़ी अमाउंट आप, बोला नहीं बस मुझे अभी वो लाइटिंग का फोन है और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, मुझे तुम अभी चलो। आई रिक्वेस्ट हिम, मैंने उनसे कहा नहीं धर्मेश जी हम सुबह चलते हैं समाओ, फिर मैंने प्रोड्यूसर से बात की, मैंने बोला इट्स फील वेरी बैड कि धर्मेश जी रात को जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए, मैंने सुबह तक रोका है, लेकिन प्लीज यू मेक अ पेमेंट। बट कहने की बात इतनी थी कि वो रात दिन में नहीं देखते थे। अभी कुछ लोगों ने कहा कि हमें धर्मेश जी का इंतजार रहेगा, हमें ऐसे किसी बंदे का इंतजार रहेगा, सर
ऐसे बंदे रोज रोज नहीं आते, युगो युग लग जाते हैं, बट हमारी फेडरेशन को इंतजार है। धर्मेश जी के बड़े भैया ने बोला कि उनकी एक जो तमन्ना है वो अधूरी रह गई, फौज में वापस जाने की। मेरी जब उनसे लास्ट मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि टीना हम साथ में एक डुएट एल्बम करना चाहते हैं, करें। मैं पुराने गाने बहुत अच्छे गाता हूँ, ऐसे बिल्कुल मुझे पता है, बहुत अच्छे गाते हैं। तो गाना मैंने लिखना भी शुरू किया, लेकिन वो गाना इस तरह से तब्दील करना पड़ेगा ये मैंने नहीं सोचा था। वो तमन्ना मैं बोलूँगी कि मेरी अधूरी रहेगी कि मैं उनके साथ वो अपनी एल्बम कंप्लीट नहीं कर पाई। मेरी जब उनसे लास्ट मुलाकात हुई एशिया में, एक वक्त ऐसा आया कि वो रो पड़े, कुछ माहौल इस तरह का था, बहुत दुख हुआ देखकर। एंड आई टोल्ड हिम ऐसे आप इतने बड़े दिल वाले आदमी हो, इतना फलादी सीना रखते हो। बोले नहीं लेकिन अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगता है कि वो चेहरा जो मैंने उनका लास्ट देखा है वो मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा, बड़ा बुरा लगता है। आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन यस आज भी वो हमारे, मुझे लगता है मेरे पीछे खड़े हैं, हम सबके साथ हैं। चंद नहीं उस गाने की पेश करना चाहूँगी जो लिखना तो किसी और तरीके से शुरू किया था लेकिन अब यूँ तब्दील हो गया। जिन्ना सानू प्यारा ओदा रब दा भी प्यारा सी, जिन्ना सानू प्यारा ओना रब नू भी प्यारा सी, सोने जिहा दिल ताई ओ सब दा दुलारा सी। तू रब दा सी कोई अवतार तेरी याद सता की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे। कुछ और चल जाएगा। तुर गया दूर क्यों तू सानू छड़ कला वे, गम ए जुदाई वाला जावे ना चला वे, रोण अखा सार सार तेरी याद सता। चलो छो झगड़ी तो करो प्यार, दम आवे ना आवे भाव श्रद्धांजलि। थैंक यू। प्रेम सिंह ठाकुर जिन्होंने धर्मेश के साथ बाकी काफी समय गुजारा है, प्रेम सिंह है अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके अपने आप का इंट्रोडक्शन दें खुद। आप इसको डिले क्यों कर रहे हैं? उनकी जो टेक्निक थी, जो उनकी नेचर थी, जिसको आज हम लोग याद कर रहे हैं, पूरी जिंदगी भर याद करेंगे। वो ये बोलते थे कि मदन जी झगड़े से कभी कोई हल नहीं निकलता, चीज़ें प्यार से ही सॉल्व करनी चाहिए। वो एटीट्यूड उनका जो था। और बोले मैंने डिले क्यों किया है आज, ये कि आज भी टाइम है, दोनों पार्टी बैठ के आपस में बात करेंगी, और कई बार ऐसा हुआ कि बिना फेडरेशन के आपस में फैसला हो गया।